बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्लास आज हम ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी और स्टेरिसिस लूप को डिस्कस करेंगे। ये भी मैग्नेटाइजेशन के बड़े इंपॉर्टेंट फिनोमेना हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी में, मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक इंडक्शन में। ससेप्टिबिलिटी ये डिफाइन करती है मटीरियल को कि वो किस तरह का मटीरियल है। वो डिफाइन करती है कि मटीरियल पैरा मैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है। तो इस ससेप्टिबिलिटी की बेस पे आगे मटीरियल्स की क्लासिफिकेशन भी होती है और आगे एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी चूज किए जाते हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस में ये ससेप्टिबिलिटी बड़ा रोल प्ले करती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम ससेप्टिबिलिटी से स्टार्ट लेते हैं। फॉर द आइसोट्रॉपिक एंड लीनियर मटीरियल्स वी हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मींस एम इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम यहां पे लगाते हैं काई m, and this proportionality constant chi m is the dimensionless quantity and is called the magnetic susceptibility। Means कि अगर आप h increase करेंगे तो magnetization भी उतनी ही increase होगी। Direct relationship का ये मतलब है। यहाँ से हम susceptibility के base पे कुछ materials को classify इस तरह करते हैं कि if this magnetic susceptibility chi is positive, if chi m is positive, then the material is called paramagnetic material and magnetic induction is strengthened by the presence of the material। means ke agar ye chi ki value positive hai, means greater than 0 hai, to material hoga paramagnetic। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर पार्शियली डोमेन्स की अलाइनमेंट होती है। आपको पता है कि मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल जो होता है उसके अंदर हम टाइनी रीजन में डिफाइन कर देते हैं पूरे रीजन को, पूरे मटेरियल को, पूरे एलिमेंट को, और वो जो टाइनी रीजन होते हैं वो उनको डोमेन कहा जाता है और हर डोमेन की अब एक अलाइनमेंट होती है। अगर सारे के सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा। अगर पार्शियली एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। अगर वो डिसअलाइनमेंट होंगे तो वो डायमैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा। तो इसके लिहाज से फिर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो सुपर मटेरियल कह सकते हैं मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से, मैग्नेट के हवाले से, कि वो एक अच्छा नेचुरल और वो एक अच्छा सुपर मैग्नेट होता है। तो यहां पे हम काई एम की बेस पे ये बता रहे हैं कि अगर वो पॉजिटिव है तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और इफ दिस काई एम इज नेगेटिव, काई एम की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा एंड मैग्नेटिक इंडक्शन इज वीकेंड बाय द प्रेजेंस ऑफ द मटीरियल। इट इज जनरली सेफ टू से दैट आई एम फॉर पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटीरियल इज क्वाइट स्मॉल। जबकि अगर हम दोनों मटीरियल्स को एक जगह पर रख के देखना चाहें, फॉर द पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटीरियल काई की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है। वेरी स्मॉल का मतलब वेरी देन लेस देन 1 मींस वैल्यू ऑफ काई is very than less than 1 for paramagnetic and diamagnetic materials. And sometimes this I is not listed directly but instead is given as mass susceptibility chi m comma mass or molecular susceptibility chi m comma molecular. यानी कोई ऐसी बुक्स भी होंगी, कई ऐसी जगह भी वैल्यू आपको मिलेंगे जहां पे काई की वैल्यू डायरेक्टली इस तरह काई एम नहीं लिखा होगा बल्कि काई एम मास, काई एम
मोल के साथ लिखा होगा। तो हम इनको किस तरह डिफाइन करेंगे? वी विल डिफाइन इट काई एम इज इक्वल टू काई एम मास इनटू डी एंड काई एम इज इक्वल टू काई एम मॉलिक्यूल टू डी बाई ए। डीज में क्या है? मास डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है। जहां पे हम काई एम मास की बात करेंगे वहां पर काई की वैल्यू किसके बराबर आएगी? काई मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द मास डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। जबकि ए से क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है। जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में आएगी ससेप्टिबिलिटी उसको हम काई एम इज इक्वल टू काई एम मॉलिक्यूलर इनटू डी बाई ए लिखेंगे। डी में क्या है? मास डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ए में क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। Since M and H both have dimensions of magnetic moment per unit volume, therefore chi m mass into H and chi m mass molecular into H give magnetic moments per unit mass and magnetic moments per unit per mole. जिस तरह हमने ये कहा ना कि M और H दोनों के dimension magnetic moment per unit volume होती है, तो यहाँ पे जब हम काई एम मास की बात करेंगे और काई एम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वह हमें क्या देंगे? उनकी क्या डायमेंशन होगी? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट मास और मैग्नेटिक मोमेंट पर मोल। उसके बाद आ जाते हैं बी और एच के रिलेशनशिप। अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड एच इंप्लाइज दैट अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड एच टू। अगर हम ये देख चुके हैं कि एम और एच के दरमियान अगर रिलेशनशिप लीनियर है तो बी और एच के दरमियान भी रिलेशनशिप लीनियर ही होगा। तो उसको किस तरह डिफाइन करते हैं? बी इज इक्वल टू म्यू एच या बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। म्यू इसमें कांस्टेंट है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, वो पुट करें तो बी इज इक्वल टू म्यू एच आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? म्यू की वैल्यू देखनी है कितनी होती है। टू गेट द वैल्यू ऑफ म्यू वी यूज आवर प्रीवियस इक्वेशन एच इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट बी माइनस एम। कल हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है? एच इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट बी माइनस एम। तो ये एच की वैल्यू जहां से हम एम निकाल लेते हैं इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट बी माइनस एच। सिंपली एम इस साइड पे ले, एच इस साइड पे ले जाए। तो यहां पे हमारे पास क्या है? एम। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम एम की वैल्यू डिफाइन की है काई एम इज इक्वल टू एच। From equation number 1, you can use the value of m in this equation. Put कर दे value of m की, तो आपके पास आ जाएगी chi m h is equal to 1 over mu naught b minus h. या इसको यूं लिख सकते हैं chi m h plus h is equal to 1 over mu naught b. अब b की value हमारे पास ये देखिए equation number 4 के अंदर क्या है? b is equal to mu h. तो इसके अंदर put कर देते हैं हम यहाँ पे b की जगह म्यू एच पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगी काई एम प्लस वन इंटू एच। इन दोनों में से मैंने एच कॉमन ले लिया तो ये काई एम प्लस वन इंटू एच इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट म्यू एच। बी की जगह मैंने म्यू एच की वैल्यू पुट कर दी, एच से एच दोनों तरफ कट गया, म्यू नॉट इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो म्यू किसके बराबर आ जाएगा? म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई एम। इक्वेशन नंबर 5। एक और क्वांटिटी यहाँ पे एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है के एम, वो म्यू और म्यू नॉट। म्यू इसमें क्या परमेबिलिटी है, रिलेटिव परमेबिलिटी है। म्यू नॉट, म्यू और म्यू नॉट के दरमियान जो जो रेशियो होगी दैट विल बी कॉल्ड 1 प्लस देन विल बी बिकम 1 प्लस के काई ओवर एम। देखिए सिंपली म्यू की वैल्यू ये वाली पुट कर दें यहां पे म्यू नॉट इनटू 1 प्लस काई एम, तो म्यू नॉट के साथ म्यू नॉट कट जाएगा बाकी 1 प्लस काई एम बच जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव परमेबिलिटी। के एम क्या कहलाती है? रिलेटिव परमेबिलिटी होती है कि म्यू नॉट परमेबिलिटी इन द वैक्यूम होती है, फ्री स्पेस होती है, म्यू मटेरियल की परमेबिलिटी है, दोनों की जो रेशियो है वो रिलेटिव परमेबिलिटी है। तो यहां से हम एक और चीज देखते हैं जिसको हम हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। ये जितनी हम अपनी डेफिनेशंस पढ़ी हैं कि हमने इक्वेशन पढ़ी b is equal to mu h, इसको जरा अगर आप एक्सटेंड कर दें तो हम लिख सकते हैं एक और इक्वेशन b is equal to mu naught into h plus m। ये भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ये रिलेशनशिप किस तरह है? देखिए हमने
ये पूरा चैप्टर पढ़ा, उसके अंदर कहा कि दो तरह की मैग्नेटाइजेशन, एक मैग्नेटाइजेशन जो आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक्सटर्नल करंट से प्रोड्यूस करवाती है, और दूसरी जो मटेरियल की इनहेरेंट होती है इंटरनल एटॉमिक करंट की वजह से, एटॉमिक करंट लूप की वजह से जो प्रोड्यूस होती है मैग्नेटाइजेशन। तो दोनों को अगर आप सम कर लेंगे एच प्लस एम बनेगा, तो टोटल मैग्नेटाइजेशन बी आती है। अब देखिए अगर आप एक एम तो कांस्टेंट रहनी है, वो तो मटेरियल की अपनी है, आप वेरी क्या कर सकते हैं, एच की वैल्यू वेरी कर सकते हैं, उससे बी की वैल्यू वेरी हो जाएगी। अगर आप एक्सपेरिमेंट में जाते हैं और एक्सपेरिमेंट में आप वैल्यू ऑफ एच अगर इंक्रीज करते हैं जीरो से शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे आप एच की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे बी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट आ जाएगा जहां पर सेचुरेशन हो जाएगी, और उसके बाद मजीद बी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, आप एच नंबर से बढ़ा रहे हैं। फिर आप एच को कम करना शुरू कर दें तो बी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त वो मटीरियल मैग्नेटाइज हो चुका होगा। अच्छा, ये यहाँ पे इसका क्या मतलब है मैग्नेटाइज हो चुका होगा, इसका मतलब ये है कि जितने डोमेन है मटीरियल के वो सारे अलाइनमेंट हो चुके होंगे एक डायरेक्शन में, जब आप काम करते हैं तो थोड़ी सी अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है। तो जब आप एच की वैल्यू जीरो कर देते हैं तो उस वक्त जो वैल्यू रह जाती है बी की उसको रेमनेंट कहते हैं। अब मजीद एच की वैल्यू आप नेगेटिव में बढ़ाना शुरू कर दें, माइनस जीरो से नेगेटिव की तरफ आना शुरू कर दें, तब बी की वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और एच की नेगेटिव वैल्यू ऐसी आती है जिस उतनी ही जो पॉजिटिव की सैचुरेशन हुई थी उस नेगेटिव एच की वैल्यू तक जब आप पहुंचेंगे तो ये बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उस वक्त मटीरियल प्योरली अनमैग्नेटाइज हो चुका होगा। मजीद आप वहां से आगे जाएंगे तो मटीरियल मैग्नेटाइज होना दोबारा शुरू हो जाएगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तो एच की नेगेटिव और वैल्यू आ जाएगी, जहां पर दोबारा वो सैचुरेट हो जाएगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में सैचुरेट हो जाएगा। फिर आप वापस जाएं तो जब एच की वैल्यू जीरो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं होगा, बल्कि कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू इसकी रह जाएगी। अच्छा, यहां मैं बताना भूल गया कि इस पॉइंट को कोर्सिविटी कहते हैं। तो जब आप दोबारा जीरो पे आ गए एच तो बी फिर रह गया, फिर आप पॉजिटिव बढ़ाते जाएंगे एच की इस वैल्यू तक पहुंचेंगे तो बी की वैल्यू दोबारा जीरो हो जाएगी, फिर और बढ़ाते जाएंगे दोबारा वो सैचुरेशन पॉइंट पे चला जाएगा। तो इस तरह ये जो लूप बनेगा इसको हिस्टैरिसिस लूप कहा जाता है, और याद रखें कि हिस्टैरिसिस लूप हमेशा दो मैग्नेटाइजेशन की वजह से होता है, एक इंटरनल इनहेरेंट मैग्नेटाइजेशन जो करंट एटॉमिक करंट लूप पे होता है, और दूसरा जो आप एक्सटर्नली खुद जो आप करंट वेरी करते हैं जिससे एच की वैल्यू वेरी होती है और बी की वैल्यू बनती है। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन, फिर भी अगर आपने बाद में पूछना तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।